तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ 200 डेज इन पाल वर्ल्ड, जहाँ पर 100 डेज में मैंने काफी सारे नए नए पोकेमॉन्स को पकड़ा। फिर मैंने रहने के लिए एक नया तगड़ा सा बेस बनाया, खुद के लिए मेटल आर्मर और हाई डैमेज वेपन भी क्राफ्ट किया। फिर मैंने काफी सारे बॉसेस को मारा और कुछ बॉसेस को तो पकड़ भी लिया। फिर मेरा सामना हुआ काफी सारे खतरनाक बॉसेस के साथ, जैसे कि लेवल 31 का यूनिवोल्ट, लेवल 31 का लिरेक्सलस, उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉस जिसका हेल्थ था 69,000। इसको बीट करना मेरे लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। उसके बाद सबसे आखिरी में मैंने फाइट लिया लेवल 45 के सुजाकू के साथ, जिसके साथ फाइट लेते थे मेरा तो पारिस्फायर ही खत्म हो गया था। फिर आखिरकार इन 200 डेज में आगे क्या हुआ, चलिए साथ में देखते हैं। सबसे पहले मैं इन बड़े बड़े पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग करने से हमें मिलने वाले डिफरेंट टाइप पोकेमॉन के अंडे और उसमें से हमें लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिल सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बूसी और पेन किंग का ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखने के लिए क्या मुझे यहाँ से लेजेंडरी पोकेमॉन मिलता है। फिर काफी सारे पास पेयर को क्राफ्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इन पोकेमॉन्स को पकड़ने। सबसे पहले मुझे यहाँ पर 19 लेवल का ब्रॉन्ज चेरी देखा, लेकिन इसको तो पकड़ते पकड़ते ये मर ही गया। फिर थोड़ा सा ही आगे जाते मुझे दिख जाता है दो मोजारेना। ये दो पोकेमॉन काफी ज्यादा स्पेशल है जो मुझे फार्मिंग में हेल्प करने वाला है। ये हमें देने वाला है काफी सारा मिल्क जो आगे जाके हमें केक प्रोड्यूस करने में काम में आएगा, उसके बाद उस केक से हम लोग ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी इन दोनों को पकड़ लिया। फिर मैं ये जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ जो काफी ज्यादा सुंदर था। उसके बाद थोड़ा से आगे जाते मुझे यहाँ पर 70 लेवल का एक बॉस दिख जाता है जो कि एक एक्वा बॉस पोकेमॉन था। इसके पास जाते ही ये तो हमारे ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने देखा मेरा पार्टी में यहाँ पर हंगरी हो चुका था, मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों को खाना खिला दिया। फिर मैंने इसके आगे मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन 35 लेवल का फैंगोल्ब को छोड़ा। फैंगोल्ब तो इसका हालत फुल टाइट कर दिया था, तो एक ही बॉल में ये पकड़ में आ गया। फिर मैं फैंगोल्ब के ऊपर बैठ के ये आइलैंड को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, तभी मुझे आगे एक 17 लेवल का यूनिवोल्ट दिखता है। लास्ट टाइम मैंने इसके बॉस को पकड़ा था और ये फैंगोल्ब तो दो ही अटैक में इसका हालत पूरा टाइट कर दिया था, तो मैंने इसको लगे हाथ पकड़ भी लिया। अभी तक मैंने 5 यूनिवोल्ट को पकड़ा है, अगर मैं 10 यूनिवोल्ट को पकड़ लूंगा तो मेरा एक अचीवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं निकल जाता हूँ आगे, काफी सारे बॉसेस थे उनके साथ फाइट लेने, तभी मुझे यहाँ पर 29 लेवल का एक बेकॉन दिखता है जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 13 लेवल का एक अर्थसॉक्स भी था। और ये जगह थोड़ा सा अजीब सा ही था, ऊपर से पत्थर पत्थर, नीचे तो पूरा खाली था, तो मैंने यहाँ पर फैंगोल्ब के साथ बेकॉन का फाइट स्टार्ट कर दिया। और शुरुआत में ही फैंगोल्ब तो उसके ऊपर एसिड अटैक दे रहा था, लेकिन ये बेकॉन तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। ओ भाई, ये तो मेरे पास में आके इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा है और फैंगोल्ब दूर से उसके ऊपर वाटर अटैक कर रहा है। बेकॉन का हेल्थ 2500 था, तो फैंगोल्ब उसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर देता है। उसके बाद मैं अपना फायर टाइप पोकेमॉन रेप्टाइल को इसके आगे छोड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन वर्सेस फायर टाइप पोकेमॉन का फाइट कैसा होता है। तो रेप्टाइल यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टिव था, और देखते देखते रेप्टाइल ने तो इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन भी कर दिया था। फिलहाल रेप्टाइल के आगे ये बेकॉन कुछ भी कर नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा इसके आगे बॉल फेंके देखते हैं, शायद ये पकड़ में आ जाएगा, और काफी आसानी से फर्स्ट बॉल में ही ये पकड़ में आ जाता है। इसके पहले मेरे पास 2 बेकन था जिनका लेवल काफी ज्यादा कम था। अभी फिलहाल जो मैंने बेकन को पकड़ा ये एक बॉस बेकन है। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, यहां पर 19 लेवल का मुझे एक ब्रॉन्ज चेरी दिख जाता है जिसके साथ मैंने वैन वाम का यहां पर फाइट स्टार्ट किया, लेकिन ब्रॉन्ज चेरी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एक ही बॉल में ये पकड़ में आ चुका है काफी आसानी से। थोड़ा सा आगे जाते मुझे यहाँ पर अर्थसॉक्स भी दिख जाता है, लेकिन इसको तो यार मार ही दिया वैन वाम ने। फिर मैं सोचता हूँ रात हो चुका है, बेस में चलते हैं, बेस में जाके सो जाते हैं। तभी मुझे यहाँ पर और 2 पोकेमॉन मिल जाता है, तो मैं इन दोनों को भी पकड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा मैं पोकेमॉन पकड़ने वाला हूँ उतना जल्दी जल्दी मेरा यहाँ पर लेवल अप होने वाला है और मेरा पाल डेक भी कम्प्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ। तभी मैं घूमते घूमते आ जाता हूँ इस आइलैंड में। यहाँ पर आते मुझे 37 लेवल का एक ब्लेजा उल दिखता है जिसके साथ मैं फाइट ले लेता हूँ, और ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है जिसके अटैक से जमीन से लावा निकल रहा था। फिलहाल तो ये काफी ज्यादा मुझे डैमेज देने ही वाला था, तभी मैं इसके आगे रेप्टाइल को छोड़ देता हूँ। रेप्टाइल भी एक बहुत ही ज्यादा बॉस पोकेमॉन फायर टाइप पोकेमॉन है। अब देखते हैं रेप्टाइल के साथ ब्लेजाउल का किस तरीके से यहाँ पर फाइट होता है, लेकिन यार ब्लेजाउल का तो काफी ज्यादा हिल डाउन हो चुका था, तो मैं इसके ऊपर बॉल फेंक देता हूँ, लेकिन काफी आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका हिल थोड़ा सा और भी डाउन किया, तभी जाके ये दूसरे बॉल में पकड़ में आ चुका है। और इसको पकड़ के मैं तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अभी तक का पकड़ा हुआ ये मेरा हाईएस्ट लेवल पोकेमॉन था, वो भी 37 लेवल का। फिलहाल पोकेमॉन को पकड़ते पकड़ते मैं थक चुका था, तो सोने आ जाता हूँ। सुबह उठ के देखता हूँ यार काफी सारे अंडे दे चुके थे ये लोग, तो इन लोगों को अभी काफी सारे केक्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर केक्स बनाने दे देता हूँ। फिर मैंने देखा मेरे बेस पर तो सुबह सुबह अटैक आ चुका है, हर रोज सुबह ये लोग अटैक करने पता नहीं क्यों आ जाता है, और आखिर ये लोग दीवार तोड़ने लग जाता है।
इसी जगह से ये लोग हर बार अटैक करने लगता है। इस बार इन लोगों को काफी मुश्किल से मैंने डिफीट किया और इन लोगों से काफी सारा क्वाइंस भी मुझे मिला, ट्रेनिंग मैनुअल भी मिला जो मुझे आगे जाके बाज को ट्रेन करने में काम आएगा। फिर मैंने क्राफ्ट किया मोशन डे ग्रेनेड लॉन्चर और सिंगल शॉट स्पेयर लॉन्चर। इस स्पेयर लॉन्चर से मैं आगे जाके पाल्स के ऊपर स्पेयर फेंक सकता हूँ, तो इसी को देखने के लिए मैं आ गया। आगे मुझे काफ़ी सारी चिपकी भी दिखे थे तो मैं इसके ऊपर पाल्स पर फेंक के देखा। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था क्योंकि यार हाथ से पाल्स पर फेंकना थोड़ा सा मुश्किल होता था। उसके बाद मैंने एक बिल्ड किया हॉट स्प्रिंग जहाँ पर सारे पोकेमॉन नहाने वाले हैं क्योंकि सारे पोकेमॉन यार काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग बिल्ड कर दिया। उसके बाद ये सब करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, तो मैं आ चुका था रात को ही सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने। थोड़ा से आगे जाते मुझे यहाँ पर 17 लेवल का एक बॉस पोकेमॉन दिख जाता है और ये तो दिखने में थोड़ा हाथी टाइप पोकेमॉन था लेकिन बहुत ही क्यूट एंड छोटा सा था, तो इसके साथ मैंने अपना फाइट स्टार्ट कर दिया और काफ़ी आसानी से मैंने इसको पकड़ भी लिया। फिर अगले दिन सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ 31 लेवल का इस मोशन डेलक्स को पकड़ने। लास्ट टाइम मैं इसको पकड़ने आया था लेकिन इसके साथ फाइट लेते मैं मर ही गया था, लेकिन इस बार मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ और ये तो वैनोम का फुल हालत टाइट कर रहा है। ये एक बहुत पावरफुल इटी टाइप पोकेमॉन है, तो इसके लिए मैंने इसके आके मोसंडा को ही छोड़ दिया और मोसंडा तो एक ही मुक्के में इसको फुल हवा में उड़ के काफी दूर फेंक दिया। मोसंडा वर्सेस मोसंडा का फाइट दिखने में काफी ज्यादा मजा लग रहा था और मोसंडा तो इसका हाल पूरा टाइट कर दिया। ओ देखो मोसंडा को भी वो काफी दूर फेंक दिया। ये एक नॉर्मल टाइप मोसंडा था और ये इलेक्ट्रिक टाइप मोसंडा था, लेकिन इसके लिए मैंने अपना सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन यहाँ पर यूनिवोल्ट को छोड़ दिया और यूनिवोल्ट तो यार काफी तगड़ा इसके ऊपर अटैक दे रहा है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने अपना डार्क टाइप पोकेमॉन फैंगोल्फ को छोड़ा। फैंगोल्फ का अटैक इसके आगे भाई काफी ज्यादा पावरफुल था और ये तो फैंगोल्फ के ऊपर ही आ चुका था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके आगे फायर टाइप पोकेमॉन को छोड़ा जाए, तो मैंने यहाँ पर रेप्टाइल को छोड़ा। यार एक एक करके सारे पोकेमॉन्स को मैं ट्राई कर रहा था कैसा होता है और इसको तो मैं हवा में इसके ऊपर बॉल फेंक रहा था, रेप्टाइल भी इसके ऊपर हवा में यार पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था। ऐसे करते करते हम लोगों ने इसको काफी आसानी से पकड़ लिया, लेकिन इस मोशन डेलक्स को पकड़ने में काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि हर एक फाइट काफी ज्यादा मजेदार था। उसके बाद मैं ये आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ रेप्टाइल के साथ, लग रहा कुछ छोटे छोटे पोकेमॉन्स को पकड़ लेता हूं। और ये देखो रेप्टाइल के ऊपर चलने में थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, ये तो भाई काफी जल्दी जल्दी जा रहा था। उसके बाद 38 लेवल का मुझे यहां पर वाम्प बुतान दिखता है भाई, जिसको पकड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हुआ था मुझे। फिलहाल मैं इसके आगे 35 लेवल का वैनवाम को छोड़ता हूं और वैनवाम तो यार काफी आसानी से इसके ऊपर तगड़ा तगड़ा अटैक दे रहा था, लेकिन उसका हेल्थ काफी ज्यादा था, 4000 का हेल्थ था और ये का भाई ये तो काफी दूर दूर से मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। फिलहाल मैं इसके आगे मेरा सबसे बड़ा पोकेमॉन रेप्टाइलो को छोड़ता हूँ, फायर टाइप पोकेमॉन, देखते हैं किस तरीके से ये उसके ऊपर अटैक देता है। लेकिन ये क्या, ये तो अटैक ही नहीं दे रहा है, मार भाई मार यार, मैं इसको कमेंट भी दिया लेकिन ये अटैक ही नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं ये देखने के लिए इसके आगे मोसंडा को छोड़ देता हूँ क्योंकि यार दोनों ही सेम टाइप पोकेमॉन है, दोनों ही दिखने में एक ही जैसा लग रहा था। ओ भाई मोसंडा तो उड़ उड़ के जा रहा है और ये मोसंडा उसके ऊपर अटैक दे ही नहीं पा रहा था। फिलहाल मैंने इसके ऊपर फैंगोल को छोड़ा और फैंगोल का अटैक काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे इसके आगे, तो फैंगोल इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर देता, तभी मैंने इसके ऊपर पल्स पर फेंकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा लो हो चुका था। मैं ये डर रहा था कहीं ये मर ना जाए। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने इसको पकड़ लिया काफी ज्यादा पल्स पर वेस्ट करने के बाद। फिर मैं ये वाला आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। एक्सप्लोर करते करते रात हो चुका था तो मैं सोने जाता हूँ अपने बेस में क्योंकि कल सुबह मुझे देखना है ब्रीडिंग उन लोगों ने कैसा किया। फिलहाल सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्राफ्ट किया 100 ग्रेनेड जो मुझे आगे जाके काम में आने वाला है और ये क्या, इन लोगों ने तो 6-6 अंडे दे चुके थे भाई, फुल डार्क टाइप ह्यूज रॉक ही एक थे। इनमें से कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है तो ये देखने के लिए मैं जल्दी जल्दी एक पोकेमॉन को यहाँ पर इनक्यूबेट करने लगा देता हूँ, शायद से कुछ अच्छा सा ही पोकेमॉन निकलने वाला है। उसके बाद मैंने मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक फर्नेस को बिल्ड किया जिससे मुझे रिफाइंड इनगोड मिलने वाला है और इनगोड भी मिलने वाला है और कोल भी मिलने वाला है। फिर मैंने जल्दी से जल्दी अपने बेस को अपग्रेड कर दिया। इसके बाद मेरा बेस 16 लेवल का हो जाएगा। फिर मैंने देखा अभी मैं टोटल 3 बेस बना सकता हूँ इस पूरे वर्ल्ड में। फिर मैंने अल्ट्रा स्पेयर को भी अनलॉक किया, इसके जरिए मैं आगे जाके बड़े बड़े लेवल के पोकेमॉन्स को पकड़ सकता हूँ काफी आसानी से। फिर मैंने देखा यहाँ पर 1 घंटे का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका था और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था यहाँ से मुझे एनुबिस पोकेमॉन मिल चुका था। ओ भाई ये भी लेवल 1 का था लेकिन इसको काम करा कि मुझे अभी फिलहाल इसका लेवल ज्यादा करना था। और साइड में और एक इंक्यूबेशन मैंने वहां पर बिल्ड कर लिया क्योंकि एक साथ में 2-2 अंडा यहाँ पर होने वाला है। फिर मैंने देखा ये एनुबिस तो काफी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, इससे मैंने काफी सारे हाइपर स्पेयर क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2-2 पोकेमॉन का फिर से
ब्रीडिंग स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ से मुझे कॉमन एग मिला जो काफी कुछ काम का नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एनुबिस गॉड पोकेमन को पकड़ा जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर जो पोकेमन रहता है वो एनुबिस गॉड पोकेमन को पकड़ने में मुझे हेल्प करने वाला है, वो है वर्डेस। ओ भाई, ये तो यार इंसान की तरह चल चल के आ रहा है। और इस बार मैं पहली बार नाइट विंग को लाया था जो 34 लेवल का था, जो वर्डेस को काफी आसानी से पेल रहा था। और देखो किस तरीके से वो स्विंग अटैक दे रहा है, और भाई साहब ये देखो तो मजा ही आ रहा था। लेकिन गाइस नाइट विंग उसके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लेजा वूल को छोड़ा ये देखने के लिए। ब्लेजा वूल एक फायर टाइप पोकेमॉन है, ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के ऊपर काफी आसानी से ये डैमेज दे सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वर्डेस मेरे ही पीछे पड़ चुका था, मेरा हालत बिल्कुल टाइट कर दिया। तो मैं यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा था और लगभग ये मुझे मारने वाला था, तो मैं इसके ऊपर तुरंत ही यार पारस पार फिरने लगता हूँ। और जैसे तैसे मैं ये वाले अटैक से तो बच गया। लेकिन गाइज मेरा हेल देखो यार, इसने तो लगभग मुझे 1 HP कर दिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्लेजा वूल का भी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, तभी तुरंत मैं इसके ऊपर पारस पार फेंकता हूँ और मैं इसके आगे एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन छोड़ देता हूँ जो कि यूनिवोल्ट है, और उसके ऊपर क्या ही ज़्यादा वो बिजली खड़क रहा था। तभी मैं उसके ऊपर दोबारा से पारस पार फेंकता हूँ इसको पकड़ने के लिए। आई थिंक ये इस बार पकड़ में आ जाएगा। ओ भाई 61% हो चुका है, देखते देखते 100% भी हो चुका है। चलिए इसी के साथ ये वाले पोकेमॉन को मैंने पकड़ लिया। लेकिन गाइस गॉड पोकेमॉन एनुबिस को पकड़ने के लिए ये सारे बॉस पोकेमॉन काफी नहीं है, उसका लेवल लगभग 47 है, तो उसके लिए हम लोगों को उसके आसपास के जितने भी बॉस पोकेमॉन है वो सारे पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा। और बाहर आती मुझे यहाँ पर बी ग्रेड मिल जाता है और 2-4 मोसंडो भी मिल जाते हैं। तो एक साथ में मैंने सारे पोकेमॉन के ऊपर एक एक करके पास पैर फेंक दिया और एक करके सारे पोकेमॉन भी आ गए। आई थिंक एक शायद मर चुका है। अब बारी था आइस टाइप बॉस पोकेमॉन को पकड़ना, तो इसीलिए मैं इस बार सारे फायर टाइप पोकेमॉन को लेके जाऊंगा आइस टाइप बॉस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और ये वाले जगह पे आके मैंने देखा यहाँ पर तो 40 लेवल का बॉस पोकेमॉन है, वो भी आइस टाइप, तो इसीलिए मैं सारे यहाँ पर सबसे पहले नाइट विंग को छोड़ा था। लेकिन नाइट विंग को तो इसने एक ही अटैक में फ्रीज कर दिया था। ओ भाई ये तो मेरे ऊपर बर्फ फेंक फेंक के मार रहा है, इसका अटैक काफी ज्यादा यार, देखो किस तरीके से इसके पास पॉइजन का भी पावर है। ओ भाई मैं तो ये देखा ही नहीं था। और यहाँ पर नाइट विंग भी काफ़ी आसानी से इसके ऊपर अटैक दे रहा था, लेकिन भाई साहब इसका अटैक देखो भाई, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ओ भाई ये तो मेरे ऊपर वाटर बॉल फेंक के मार रहा है, तो इसके आगे फिलहाल मैंने रैप्टायरो को छोड़ा और रैप्टायरो भी भाई अपना जलवा दिखा रहा है, इसको भाई फूक फूक के मार रहा है और आग फेंक फेंक के मार रहा है। फिलहाल इन दोनों का फाइट देखते देखते भाई साहब मुझे ही यहाँ पर डैमेज दे दिया काफ़ी तगड़ा वाला। अब तो फिलहाल मैं शायद मरने वाला हूँ और लगभग भाई मैं ख़त्म ही होने वाला था, तभी यहाँ पर रैप्टायरो किसी तरह मुझे बचा लेता है। और देखते देखते इसका हेल्थ यार काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया था और रैप्टायरो का भी हेल्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था। तो मैं यहाँ पर यूनिवोल्ट को छोड़ा, आइस टाइप पोकेमॉन के आगे इलेक्ट्रिक पोकेमॉन का पावर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, तो वही देखने के लिए भाई यूनिवोल्ट भाई काफ़ी तगड़ा इसके ऊपर अटैक दे रहा है। ओ भाई ये इसने तो भाई यूनिवोल्ट को एकदम से फ्रीज कर दिया था, तभी यहाँ पर इसका हेल्थ जैसी लो होता है मैं इसके ऊपर पल्स पावर फेंकने लगता हूँ। लेकिन ये पहली पल्स पावर में तो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद भाई साहब ये तो मेरे ऊपर फुल पॉइजन फेंक फेंक के मार रहा है और सारे पॉइजन मेरे पीछा भी ले रहा है। तभी मैं दूसरा यहाँ पर पल्स पावर फेंकता हूँ और पल्स पावर फेंकते ही भाई मुझे ऐसा लग रहा था ये पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पकड़ में भी आ जाता है। यूनिवोल्ट का भी हालत लास्ट में बहुत ही खराब हो गया था, यूनिवोल्ट भी बच गया और मैं भी बच गया। फिलहाल हम लोग बेस में आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर यार 4-4 लार्ज फ्रोजन अंडा मुझे यहाँ से मिल चुका है, तभी मैं ये सारे अंडे को यहाँ पर इनक्यूबेट करने लगा देता हूँ। देखते हैं कौन से टाइप का पोकेमॉन यहाँ से निकलता है। फिर मैं देखता हूँ इस पाल वर्ल्ड में पूरे 115 पोकेमॉन्स है, उनमें से मैंने 88 पोकेमॉन्स को पकड़ा है। बाकी पोकेमॉन्स को भी पकड़ने के लिए मैं जल्दी से जल्दी आ जाता हूँ ये वाले जगह पर। और यहाँ पर आते मुझे तो लगा नहीं था यहाँ पर कुछ बॉस मिलने वाला है, लेकिन अंदर जाते मुझे यहाँ पर 31 लेवल का बहुत ही पावरफुल एक बॉस मिलता है। इसके साथ फाइट लेने में मुझे जो हालत हुआ था ना भाई, ये एक एक करके मेरे काफ़ी बड़े बड़े पोकेमॉन्स का हालत टाइट कर रहा था। सबसे पहले वर्डेस को छोड़ा था, वर्डेस को तो ये लगभग मार ही देता, तभी मैं इसके आगे मोसंडालक्स को छोड़ा। भाई साहब देख सकते हो ये मोसंडालक्स का हालत कैसा होगा, इतने बड़े पोकेमॉन के आगे इतना छोटा पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। भाई देखो गाइस इसके हाथ में एक त्रिशूल जैसा एक पता नहीं कौन सा वेपन भी है। ये भाई साहब सबको धार धार करके मार रहा था, तभी मैंने इसके आगे फायर टाइप पोकेमॉन को छोड़ा। रैप्टायरो भाई इसके आगे क्या ही बढ़िया तरीके से अटैक लिया, जिसके वजह से मैं बच पाया और बाकी जितने पोकेमॉन से वो सारे मर चुके थे। फिलहाल इसको मैंने लगभग पकड़े लिया। मुझे ऐसा लगा इसका जो अटैक पावर है ना, ये वाले पोकेमॉन का काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसको पकड़ने में बड़े बड़े पोकेमॉन्स का हालत टाइट हो गया था। तभी बाहर आती मुझे यहाँ पर एक डार्क टाइप पोकेमॉन मिलता है, इसके साथ मैं वैनुआम का फाइट लगा देता हूँ। ये तो शायद सो रहा था। ओ भाई वैनुआम तो एक ही फायर में इसका आधा हेल्थ कर दिया।
ओ भाई इसके पास फायर का भी पावर है भाई, ये काफी पावरफुल पोकेमन हो सकता है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लेता हूँ। तभी मुझे इसके साइड में ही एक फर्स्ट रेयर मिलता है, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और जल्दी से जल्दी अपने बेस में आ जाता हूँ। और देखो सारे सो चुके थे तो मैं भी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह होती मैं निकल जाता हूँ फिर से दोबारा बॉस पोकेमॉन को ढूंढते ढूंढते इस डेजर्ट आइलैंड में। यहाँ पर आती सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे खतरनाक टाइप के नए नए पोकेमॉन्स को देखे और साथ में सुजाकू भी देखे। तो लास्ट टाइम मैंने सुजाकू को देखा था लेकिन ये सारे पोकेमॉन्स को मैंने नहीं देखा था। तो ये सारे पोकेमॉन्स का नाम था रॉबिन क्विल। तो सारे पोकेमॉन्स के साथ मैं यहाँ पर फाइट लगा देता हूँ वैनॉम का, और कुछ सारे पोकेमॉन्स को मैं पकड़ना भी चाहता था लेकिन एक दो पकड़ में आया, लेकिन यार काफ़ी सारे पोकेमॉन मारा भी गया। तभी यहाँ पर वैनॉम के साथ वैनॉम का फाइट हो जाता है। तभी यहाँ पर मुझे और एक नए टाइप का पोकेमॉन मिला था लेकिन इसको भी वैनॉम मार देता है। तभी यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मुझे मिलता है यहाँ पर एक बड़ा सा टावर, और इस टावर के अंदर रहता था एक बड़ा सा बॉस पोकेमॉन। यही देखने के लिए मैं आ जाता हूँ अंदर, और अंदर आती मैंने यहाँ पर देखा भाई ये पोकेमॉन तो भाई काफ़ी पावरफुल है। इसका हेल्थ देखो गाइस, इसका हेल्थ लगभग 1,46,000 है। इसको तो बीट करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो फिर भी मैं इसका आगे फाइट लेने के लिए कोशिश करता हूँ। ये देखने लगता हूँ कि इसका पावर कैसा है। भाई साहब ये तो एक एक करके मेरे सारे पोकेमॉन को धो रहा था। इसके बाद सारे बॉस पोकेमॉन का पावर था, और देखते देखते ये मार देता है इसके सामने, तो मैं एक मिनट भी टिक नहीं पाया था अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ का सुजाकू बॉस पोकेमॉन को पकड़ने आ जाता हूँ, क्योंकि वो वाले बॉस पोकेमॉन को तो मैं पकड़ नहीं सकता। इसको पकड़ के मुझे एनोबिस गॉड पोकेमॉन को पकड़ना है, तो इसीलिए इस बार मैं सुजाकू बॉस पोकेमॉन को पकड़ने आ जाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सुजाकू बॉस पोकेमॉन को पकड़ा था लेकिन उसको पकड़ते पकड़ते मेरा तो पास पैर ही खत्म हो गया था। इस बार मैं सुजाकू के साथ सुजाकू का फाइट लगा देता हूँ, ये देखने के लिए कैसा फाइट होता है। अभी फिलहाल मेरे पास जो सुजाकू है वो नॉर्मल पोकेमॉन है, इसलिए वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। फिलहाल मैंने इसके आगे छोड़ दिया है मोशन डलक्स को। मोशन डलक्स एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है लेकिन गाइस ये भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। फिलहाल मैंने छोड़ दिया फैंगॉर्प, और फैंगॉल्फ का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है इसके आगे, और फैंगॉल्फ ने तो काफ़ी देर इसके साथ फाइट लिया। और भाई साहब देखो फैंगॉल्फ को भी ये किसी तरह धो रहा है। तभी मैंने इसके आगे वैनॉम को छोड़ा, एक एक करके सारे पोकेमॉन को छोड़ते गया। देखते देखते रात हो चुका था, काफ़ी देर से मैं इसके साथ फाइट ले रहा था, और भाई साहब ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी सारे पास पैर इसके ऊपर फेंकने के बाद अल्टीमेटली ये पकड़ में आ गया। ओ भाई अल्टीमेटली मैंने इसको पकड़ लिया। देखो अभी फिलहाल मेरे पास दो सुजाकू हो चुका है। उसके बाद मैं ये वाला आइलैंड को और भी एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम बाद आया था, और यहाँ पर मुझे मिल जाता है डिक्टोस। ये वाला पोकेमॉन काफी अनोखा था भाई, ये घूम घूम के मेरे ऊपर अटैक दे रहा था। यहाँ पर दो डिक्टोस मिल चुका था। ये सारे पोकेमॉन मुझे माइनिंग में हेल्प करने वाला है, तो इनको बाद में भी पकड़ने वाला है। फिलहाल मुझे यहाँ पर सर्फिन टेरा मिल चुका था, और ये सारे पोकेमॉन को पकड़ते पकड़ते मुझे इन सारे पोकेमॉन से मिल रहा था पल्स फ्लूइड, जो काफी काम का था। एक एक पोकेमॉन से मुझे चार चार पल्स फ्लूइड्स मिल रहा था। ये सारे पल्स फ्लूइड्स मुझे सीमेंट क्राफ्टिंग करने में काम में आने वाला है। फिलहाल मैं ये वाले जगह को और भी एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे कुछ सिंडिकेट्स पड़ जाता है। उसके बाद रात हो जाता है, मैं जल्दी से जल्दी बेस में चला जाता हूँ और बेस में जाके सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह होते मैं फिर से आ जाता हूँ बाकी सारे बॉस पोकेमॉन को पकड़ने, और सबसे पहले यहाँ पर आके मुझे 30 लेवल का बॉस पोकेमॉन मिलता है, जिसके साथ मैं सुजाकू का फाइट लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सुजाकू ही पकड़ा था। और ये देखो सुजाकू तो इसको भाई काफी गंदी तरीके से पीट रहा है, देखते देखते इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो भी कर गया था। और इस बार सुजाकू ने तो इसके साथ अकेला फाइट लिया, बाकी सारे पोकेमॉन तो भाई मुझे इस्तेमाल भी करना नहीं पड़ा। और एक एक बॉस पोकेमॉन को मारते मारते मेरा भाई जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप भी हो रहा था। फिर बाहर आते मुझे यहाँ पर एक डंजन दिखा, और डंजन के अंदर तो देखो यहाँ पर गेल क्लॉ का यहाँ पर बॉस पोकेमॉन मुझे मिल जाता है। भाई साहब ये वाले पोकेमॉन को मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। फिर मैं इसके आगे सिबलक्स को छोड़ा, जो एक आइस टाइप बॉस पोकेमॉन है। लास्ट टाइम मैंने इसी आइस टाइप बॉस पोकेमॉन को पकड़ा था, और देखो भाई गेल क्लॉ का हालत तो भाई काफी ज्यादा टाइट हो चुका है। ये 1900 हेल्थ है इसका, देखते देखते 600 हेल्थ हो जाता है। और तभी मैं इसके ऊपर एक पास फायर फेंक देता हूँ, जो काफी आसानी से मेरे पकड़ में आ जाता है। उसके बाद वहां से निकल के मैं आ जाता हूँ ये वाले जगह पर, और यहाँ पर आके देखता हूँ 38 लेवल का एक बॉस रहता है यहाँ का अंदर। और अंदर आती मैंने तो देखा ये छोटा सा पोकेमॉन है, मुझे लगा नहीं था ये वाला पोकेमॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो मैं इसके आगे सुजाकू को छोड़ देता हूँ, और भाई देखो इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था। सुजाकू का हालत तो इसने बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया था, देखते देखते सुजाकू का हेल्थ इसने आधा खा लिया था। तभी मैं इसके आगे रेप्टायरो को छोड़ता हूँ। रेप्टायरो और सुजाकू दोनों ही फायर टाइप पोकेमॉन है, इसीलिए मैंने दोबारा से इसके आगे रेप्टायरो को छोड़ा। और देखो भाई रेप्टायरो का अटैक काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैंने जल्दी से जल्दी रेप्टायरो को कमेंट भी दिया, और देखते देखते रेप्टायरो ने तो इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो कर दिया था। उसके बाद मैं इसके आगे सिबलक्स को छोड़ता हूँ, देखना चाहता था कि भाई सिबलक्स किस तरीके से इसके आगे अटैक ले पा रहा था। तभी इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, तो मैं इसके ऊपर पल्स फेंकने लगता हूँ,
और ये तो काफी आसानी से पकड़ में भी आ जाता है। वैसे इसके आगे मैंने 2-3 पोकेमॉन को इस्तेमाल किया था जो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सबका हालत इसने टाइट कर दिया था। उसके बाद आज पूरे दिन में मैंने 3 बॉस पोकेमॉन को पकड़ा। अगले दिन मुझे यार जर्मुंडेट को पकड़ने जाना है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी बेस में आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह होती मैं जल्दी से जल्दी जर्मुंडेट को पकड़ने जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे ये वाला पोकेमॉन दिख जाता है, तो इसके साथ मैं फाइट लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर वैलेट को छोड़ा। कल ही मैंने ये वाले पोकेमॉन को लास्ट टाइम पकड़ा था और भाई देखो वैलेट का पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। एक ही बार में तो भाई इसने काफी ज्यादा हालत टाइट कर दिया था किंग कापा का। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जर्मुंडेट के आगे, और जर्मुंडेट के आगे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वैनॉर्म को छोड़ता हूँ। वैनॉर्म तो भाई कुछ खास इसके ऊपर अटैक नहीं दे पा रहा था। उसके बाद मैंने इसके आगे भाई वैलेट को छोड़ा, और वैलेट देखो भाई किस तरीके से इसके साथ फाइट ले रहा है। जर्मुंडेट के आगे ये तो काफी छोटा सा दिख रहा था, और जर्मुंडेट तो भाई इसका हालत काफी टाइट कर दिया था। तभी मैं इसके आगे दोबारा से सुजाकू को छोड़ता हूँ, और सुजाकू फायर टाइप पोकेमॉन है और जर्मुंडेट गॉड टाइप का पोकेमॉन है। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जर्मुंडेट उसके ऊपर अटैक दे रहा है, और ये मेरे ऊपर भी अटैक दे रहा था। तभी मैं इसके ऊपर भाई साहब गोली चलाने लगता हूँ, और तभी ये मेरे पास में भी आ जाता है। मैं बचने के लिए थोड़ा दूर भागता हूँ, लेकिन भाई साहब इसने तो मेरा हेल्थ लगभग आधा कर दिया था। तभी मैं मोसांडा को छोड़ता हूँ। मोसांडा एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जर्मुंडेट भी एक एक्वा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। मोसांडा काफी अच्छी तरीके से इसके साथ फाइट ले रहा था, और देखते देखते मेरा आर्मर भी डैमेज हो जाता है। तभी जर्मुंडेट पानी छोड़ के ऊपर आ जाता है, और इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो कर दिया था मैंने। तभी मैं इसके ऊपर पल्सर फेंकने लगता हूँ, और काफी ज्यादा पल्सर वेस्ट करने के बाद ये अल्टीमेटली पकड़ में भी आ जाता है। काफी टाइम से जर्मुंडेट को पकड़ने का मन था मेरा, फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया। तब रात हो जाती तो मैं सोने आ जाता हूँ। फिर अगले दिन सुबह मैं गॉड एनोबिस पोकेमॉन को पकड़ने का प्लान करता हूँ। तभी मुझे मैप में एक 49 लेवल का एक पोकेमॉन दिखता है जिसका नाम था ब्लेजमत, और जल्दी से मैं इसको पकड़ने भी आ जाता हूँ। लेकिन भाई अंदर आके देखता हूँ भाई इसका हेल्थ काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके आगे जर्मुंडेट तो एकदम से टिक भी नहीं पाया। जर्मुंडेट के ऊपर ही एक अटैक किया, एक अटैक में ही इसने जर्मुंडेट का हालत पूरा टाइट कर दिया था। आई थिंक जर्मुंडेट फायर टाइप पोकेमॉन के आगे लगभग कुछ बेकार ही है। ये देखो किस तरीके से जर्मुंडेट इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा था भाई, एकदम से मर ही गया है 2 ही अटैक में। उसके बाद मैं इसके आगे सुजाकू को छोड़ता हूँ। आई थिंक फायर टाइप वर्सेस फायर टाइप पोकेमॉन का यहाँ पर फाइट अच्छे से हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी मैं इसके आगे यार आइस टाइप पोकेमॉन को छोड़ता हूँ, और देखते देखते ये मुझे मार भी देता है। तब मुझे पता लगता है इसका डैमेज काफी ज्यादा है, लेकिन यार नेक्स्ट टाइम मैं आ जाता हूँ एनुबिस गॉड पोकेमॉन को पकड़ने। इस एनुबिस गॉड पोकेमॉन को पकड़ने में मेरा जो हालत हुआ था भाई साहब, उसका लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फुल वीडियो जरूर से देखना। इसका पावर जो है ना काफी ज्यादा है, और ये देखो लगभग तो मैं मरने ही वाला था लेकिन बच गया। उसके बाद काफी ज्यादा फाइट लेने के बाद मैं इसको अल्टीमेटली पकड़ लेता हूँ। फुल फाइट मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, वो वाला वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। फिलहाल मैं इसको पकड़ने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इसको पकड़ने का काफी टाइम से मेरा मन था, और मेरा पाल टीम भी भाई काफी ज्यादा हंगरी हो चुका था। तो मैं सबको खाना खिलाने लगता हूँ, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे। बेस पे आती मैंने तो देखा एनिमीज ने मेरे बेस को एकदम से तोड़ मोड़ के रख दिया था। मेरा बिस्तर भी नहीं था यहाँ पर, वो भाई मुझे तो अपना बेस भी बिल्ड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल लकड़ी से बिल्ड हुआ है, मुझे अपने बेस को स्टोन या फिर स्टील से बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगले दिन सुबह मैं एनुबिस को लेके आ जाता हूँ घूमने के लिए, और ये काफी प्यारा सा लग रहा था, काफी बड़ा सा पोकेमॉन था और काफी ज्यादा पावरफुल था भाई। वो देखो किस तरीके से दौड़ के भी जा रहा है। उसके बाद मैं प्लानिंग करता हूँ यहाँ पर फायर टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर आके मुझे बाहर एक ब्लेजाउल मिलता है। इसको मैं काफ़ी आसानी से पकड़ भी लेता हूँ, लेकिन गाइज मैं लास्ट टाइम पकड़ने आया था ब्लेजमेथ को, लेकिन ब्लेजमेथ को मैं पकड़ नहीं पाया था। इसीलिए मैं सोचता हूँ यार ब्लेजमेथ को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा, जो सारे बॉस पोकेमॉन होने वाला है। तभी मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ काफ़ी आसानी से, और मुझे नीचे यहाँ पर जेट ड्रैगन दिखते हैं काफ़ी थोड़ी देर के लिए, और जेट ड्रैगन के साथ मैं फाइट लेने लग जाता हूँ। लेकिन मेरे साथ इसका फाइट काफ़ी बेकार सा गया, एक ही अटैक में जेट ड्रैगन मेरे सुजाकू का हालत पूरा टाइट कर दिया था। तो मैं यहाँ पर फाइट टाइप पोकेमॉन के साथ फाइट ना लेते हुए मैं जल्दी से जल्दी अपने बेस में आ जाता हूँ सोने के लिए। अगले दिन सुबह उठ के मुझे जाना है इन सारे फाइट टाइप पोकेमॉन के साथ फाइट करने के लिए, ये सारे आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने। तो मैं आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने आ जाता हूँ, और आते ही मुझे यहाँ पर किंग कापा क्रिस दिखता है। वो भाई इसका हेल्थ देखो यार 4000 हेल्थ है। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको पकड़ने लग जाता हूँ, और सारे मैं इस बार फायर टाइप पोकेमॉन को लाया था और अपने साथ एनिमीज को लेके आया था। देखना चाहता था एनिमीज का अटैक कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं इसके आगे सुजाकू को छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं इसके आगे रैग्नारोक को छोड़ता हूँ, फिर ब्लेजाउल को छोड़ता हूँ। कल ही मैंने पकड़ा था, लेकिन गाइस उसके बाद ब्लेजाउल तो इसका हालत काफी ज्यादा टाइट कर दिया था। ओ भाई ये पीछे भाग रहा है, और तभी मैं इसके ऊपर देखते देखते पासवर्ड भी फेंकने लगता हूँ, और भाई इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो हो गया था, लेकिन ये पासवर्ड में पकड़ में भी नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों। तभी ब्लेजाउल का भी हालत देखो आप लोग, काफी ज्यादा डाउन हो चुका था। काफी ज्यादा पासवर्ड वेस्ट करने के बाद ये अल्टीमेटली पकड़ में आया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ दूसरे बॉस पोकेमॉन को पकड़ने, और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ मेमोरिस ट्रिस्ट को। भाई ये वाला पोकेमॉन तो
बहुत ही बड़ा पोकेमॉन था और ये मेमोरी स्क्रीज्ड है। इसका हेल्थ काफी ज्यादा था 4700। इसके आगे मैं सुजाकू को छोड़ता हूँ। सुजाकू का हालत इसने तो काफी ज्यादा टाइट कर दिया था और इसने तो मुझे भी एकदम से फ्रीज कर दिया। और तभी मैं प्लान करता हूँ इसके आगे रेप्टायरो क्रिस्ट को छोड़ने के लिए। रेप्टायरो क्रिस्ट भी एक आइस टाइप पोकेमॉन है और देखना चाहता था दोनों ही आइस टाइप पोकेमॉन के साथ किस तरीके से फाइट होता है। भाई साहब, रेप्टायरो क्रिस्ट ने तो इसका हालत काफी ज्यादा टाइट कर दिया था। देखते देखते इसका हेल्थ भी काफी ज्यादा लो हो गया और ये देखो अभी ये मेरे ऊपर अटैक दे रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा तो मैं इसको पकड़ने वाला हूँ काफी जल्दी जल्दी। तो मैं इसके ऊपर हाइपर स्पेयर फेंकने लगता हूँ। अरे यार, काफी ज्यादा हाइपर स्पेयर वेस्ट करने के बाद ये अल्टीमेटली मेरे पकड़ में भी आ जाता है। उसके बाद मैं और कहाँ कहाँ बॉस पोकेमॉन है मैं ये ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे ये वाला जगह दिखता है ऊपर से, तो काफी सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पर आके मैं बेस बनाऊंगा अगली बार। आप लोग क्या बोलते हो गाइस, मुझे बताना जरूर से कमेंट में। तभी थोड़ा सा आगे जाते मुझे यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाता है और यहाँ पर आती मुझे अनोखे टाइप के बहुत सारे पोकेमॉन दिखता है। सबसे पहले तो मैं इसके साथ फाइट लेता हूँ और ये भाई साहब देखो किस तरीके से दौड़ के आ रहे हैं मेरी तरफ। मुझे तो लग रहा था ये एनोबिस टाइप का पोकेमॉन है, लेकिन गाइस ऐसे देखो इसका अटैक है ना फुल डार्क टाइप पोकेमॉन जैसा मुझे लग रहा है। फिलहाल मैं इसके ऊपर पल्सर देखता हूँ और मुझे लग नहीं रहा था ये पकड़ में आएगा, लेकिन गाइस ये बहुत ही जल्दी पकड़ में भी आ जाता है। तभी मैं ये वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता हूँ। तभी आगे जाके सेम टाइप ऑफ पोकेमॉन मुझे यहाँ पर दिखता है तो इसके साथ भी मैं फाइट लेने लगता हूँ। मुझे लगा था ये भी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ काफी देर फाइट लेने के बाद इसके लिए मैंने काफी ज्यादा पल्स फायर भी वेस्ट किया था, लेकिन ये अल्टीमेटली पकड़ में नहीं आया, ये मर ही गया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा आगे जाते यहाँ पर जार्मुंडा डिग्निस दिखता है। मेरे पास वैसे तो जार्मुंडा डिग्निस है, लेकिन ये वाला जार्मुंडा डिग्निस का लेवल काफी ज्यादा था, लेकिन इसके साथ फाइट लेते लेते काफी सारे पल्स फायर मैंने इसके ऊपर वेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली ये मर ही गया। अभी तक मैंने जार्मुंडा को पकड़ा है, लेकिन यार जार्मुंडा डिग्निस का बॉस को नहीं पकड़ा है, तो जार्मुंडा डिग्निस का बॉस को पकड़ना है। लेकिन गाइस तभी मुझे याद आता है मुझे तो ब्लैजमथ को पकड़ना है, इसीलिए ब्लैजमथ को पकड़ने के लिए मैं ये वाले बॉस पोकेमॉन को पकड़ने आ जाता हूं। अंदर आते ही काफी ज्यादा अंधेरा था और यहाँ पर आके मुझे दिखता है एक 49 लेवल का आइस टाइप पोकेमॉन। इस पोकेमॉन को मैंने अगर पकड़ लिया ना तो ब्लैजमथ को काफी आसानी से मैं पकड़ सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इसके आगे सुजाकू को छोड़ दिया। और सुजाकू तो इसके आगे काफी अच्छी तरीके से फाइट ले रहा था, लेकिन सुजाकू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया क्योंकि सुजाकू का लेवल काफी कम था इससे। उसके बाद मैंने इसके आगे मेमोरिस क्रिस्ट को छोड़ा क्योंकि मेमोरिस क्रिस्ट भी एक आइस टाइप पोकेमॉन है, तो आइस टाइप पोकेमॉन वर्सेस आइस टाइप पोकेमॉन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन गाइस ये वाला पोकेमॉन तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ था और ये मुझे काफी ज्यादा अटैक दे रहा था। तभी मेमोरी स्क्रीन इसको फ्रीज कर देता है और तभी मैं इससे बच जाता हूँ। उसके बाद मैं भी इसके ऊपर अटैक देने लगता हूँ, लेकिन ये मेमोरी स्क्रीन को पता नहीं क्यों अटैक दे ही नहीं रहा था, सारे अटैक ये मेरे ही ऊपर कर रहा था। देखते देखते ये मेरा हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर देता है और मेमोरी स्क्रीन का भी हालत काफी ज्यादा लो कर दिया था। ओ भाई, अभी तो मैं शायद से मरने ही वाला हूँ। तभी मैं इसके आगे मोशन डलस को जोड़ता हूँ और मोशन डलस का भी हालत इसने काफी ज्यादा डाउन कर दिया था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं इसको पकड़ पाऊंगा। उसके बाद मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तभी मैं दोबारा से इसके आगे सुजाकू को छोड़ता हूँ। एक एक करके सारे पोकेमॉन का यह हालत काफी ज्यादा टाइट कर रहा था। तभी मैं इसके आगे रेप्टायरो को छोड़ा और ये देखो रेप्टायरो तो पता नहीं इसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। भाई इतना बड़ा पोकेमॉन कुछ कर नहीं रहा है। भाई मैं इसको अटैक भी दे रहा हूँ, कमेंट भी दे रहा हूँ, तभी ये कुछ कर ही नहीं रहा है। काफी देर बाद रेप्टायरो इसके ऊपर अटैक देने लगा था, लेकिन उतने देर में रेप्टायरो का हाल इसने बहुत ज्यादा खराब कर दिया था। फिर मैंने इसके आगे वैनोम को छोड़ा और वैनोम का भी हालत इसने पूरा टाइट कर दिया। देखते देखते तो मेरे सारे पोकेमॉन इसके आगे फीका पर रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे पकड़ूं। उसके बाद काफी ज्यादा इसके साथ फाइट देते लेते अल्टीमेटली मैं इसका हेल्थ काफी डाउन कर देता हूं। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर पल्सर फेंकने लगता हूं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हेल्थ डाउन होने के बाद भी ये पकड़ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आइस टाइप पोकेमॉन है अभी तक का पकड़ा हुआ, और उसको मैं देखते देखते पकड़ भी लेता हूँ। इसको मैं लेके जाऊँगा अगली बार ब्लैजमथ को पकड़ने के लिए। तभी मैं बेस में आता हूँ। बेस में आके ही सबसे पहले तो मैं ब्लैजमथ को पकड़ने के लिए अपने जितने भी इक्विपमेंट है सारे इक्विपमेंट को मैं रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ब्लैजमथ को पकड़ने गया था ब्लैजमथ तो मेरा हालत पूरा टाइट कर दिया था। और ये देखो अभी जो मैंने आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ा है इसका अटैक देखो 696, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको लेके मैं चला आता हूँ जल्दी से जल्दी एस्ट्रेगन को पकड़ने, क्योंकि मुझे पता है ब्लैजमथ को पकड़ने के लिए एस्ट्रेगन को भी पकड़ना जरूरी है। तो मैं जल्दी से जल्दी एस्ट्रेगन को पकड़ने आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आइस टाइप पोकेमॉन को छोड़ता हूँ और एस्ट्रेगन का देखो भाई 48 लेवल है और इसका हेल्थ देखो 3800। तो एस्ट्रेगन को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है ब्लैजमथ को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसके साथ यहाँ पर आइस टाइप पोकेमॉन का फाइट लगा देता हूँ और आइस टाइप पोकेमॉन काफी बढ़िया तरीके से इसको अटैक दे रहा था, लेकिन तभी ये मेरे ऊपर अटैक देने लगता है। किसी तरह मैं इसके अटैक से बचने लगता हूँ, लेकिन तभी मैं इसके ऊपर डायनोसोम लक्स को भी छोड़ता हूँ क्योंकि डायनोसोम लक्स एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और वो देखो भाई किस तरीके से उसने डायनोसोम लक्स को धोया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेप्टायरो क्रिस्ट को भी छोड़ा। रेप्टायरो क्रिस्ट एक आइस टाइप पोकेमॉन है, तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा था आइस टाइप पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। हर टाइप के पोकेमॉन जरूरी था इस एस्ट्रेगन को हराने के लिए, क्योंकि ये एस्ट्रेगन मामूली पोकेमॉन नहीं था,
इसका अटैक काफी ज्यादा था और देखते देखते इसने तो रैप्टर क्रिस्ट का भी हालत फुल टाइट कर दिया था। और ये देखो रैप्टर क्रिस्ट ने भी उसको फ्रीज कर दिया था थोड़ी देर के लिए। जैसे रैप्टर क्रिस्ट का हेल्थ थोड़ा सा डाउन होता है, मैं यहाँ पर मेमोरीज क्रिस्ट को छोड़ता हूँ, लेकिन मेमोरीज क्रिस्ट ज्यादा देर तक इसके आगे टिक नहीं पाता है क्योंकि मेमोरीज क्रिस्ट लाभा के अंदर शायद से ज्यादा देर सर्वाइव कर नहीं पाता है। तो मैं दोबारा से मेमोरीज क्रिस्ट को छोड़ता हूँ। मैं देखना चाहता था मेमोरीज क्रिस्ट फिर भी कैसा अटैक देता है, कैसा परफॉर्म करता है। तभी मैं मेमोरीज क्रिस्ट को भी यहाँ पर कमेंट भी देता हूँ कि एग्रेसिव अटैक करने के लिए। और देखो यार मेमोरीज क्रिस्ट का अटैक ना इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्टिव हो रहा है। शुरुआत में तो ये अटैक दे नहीं पा रहा था, लेकिन अभी ये अच्छा खासा अटैक दे रहा है और देखते देखते इसका हेल्थ भी काफी ज्यादा डाउन कर दिया। अभी मैं इसका आगे भाई अपना सबसे पावरफुल आइस टाइप पोकेमॉन को छोड़ता हूँ। देखते देखते आइस ड्रैगन तो मेरे ऊपर अटैक देने लगता है और मेरा हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर दिया था। लेकिन मेरे पास जो आइस टाइप पोकेमॉन है ना इसका पावर काफी ज्यादा है और इसके पास एक बेनिफिट भी है कि मैं इससे अपना हेल्थ भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तभी जैसे ही एस्ट्रोवर्ड का हेल्थ थोड़ा सा लो हो जाता है तो मैं उसके ऊपर पाल्स पर फेंकने लगता हूँ, लेकिन ये एक दो पाल्स पर मैं पकड़ में नहीं आता है। मुझे लग रहा था इसके आगे मुझे अल्ट्रास्फर चाहिए था, लेकिन मेरे पास अल्ट्रास्फर नहीं था। अल्टीमेटली मैंने इसको पकड़ भी लिया और इसको पकड़ने में मुझे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय लग चुका है और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा हो चुका है भाई। अभी तो जाने का रास्ता भाई मुझे नहीं मिल रहा है, कैसे जाऊँगा मैं घर? वो देखो आगे एक चीज़ दिख रहा है, वो दिखा भाई बाहर का रास्ता। जैसे तैसे मैं घर में आ चुका हूँ। फिलहाल गाइस देखो यार अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एस ड्रैगन का अटैक पावर 555। इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसको छोड़ के देखते हैं। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा, कितना बड़ा पोकेमॉन दिख रहा है भाई। वो जाके तुरंत वहाँ पर कोल माइनिंग कर रहा है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ ब्लास्टमोथ को पकड़ने, क्योंकि भाई एस ड्रैगन के बाद ब्लास्टमोथ को भी पकड़ना था। और देखो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पर आइस टाइप के पोकेमॉन को छोड़ा। ओ भाई ये क्यों उसके आगे चक्कर काट रहा है? मार भाई, अटैक नहीं कर रहा है ये, पता नहीं क्यों उसके आगे गोल गोल चक्कर काट रहा है और ये तो मेरे ऊपर अटैक दिए ही जा रहा है। फाइनली इसने अटैक स्टार्ट किया, फ्रीज अटैक कर रहा है उसके ऊपर और ब्लास्टमोथ तो मुझे ही देख रहा है। अभी फिलहाल ब्लास्टमोथ ने मेरा हालत टाइट कर दिया था, तभी मैं तुरंत अपना हेल्थ ज़्यादा गिर लेता हूँ अपने पोकेमॉन के जरिए और इसके आगे छोड़ देता हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन अभी तक एस ड्रैगन को। और भाई देखो यार ब्लास्टमोथ को अभी तो भाई धुलाने वाला है एस ड्रैगन। फिलहाल वो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक किया, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे इसका हेल्थ जा रहा है। ओ तेरी, इस बार तो भाई धो ही दिया पूरा, एकदम से इसका हेल्थ 100-200 कम हो रहा है। ब्लास्टमोथ भी उसके ऊपर अटैक दे रहा है, लेकिन ब्लास्टमोथ का अटैक एस्ट्रैगन के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है और एस्ट्रैगन का भी हेल्थ इसने आधा कर दिया वैसे तो। अभी फिलहाल काफ़ी देर तक मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। और ये तो भाई मेरे ऊपर आग फेंक के मार रहा है, लेकिन इतना दूर इसका आग नहीं आ रहा है। वो देखो भाई साहब, ये वाला अगर मेरे ऊपर आ जाता तो मैं पक्का मरने वाला था। फिलहाल जैसे ही ब्लास्टमोथ मेरे ऊपर अटैक करता है तुरंत ही एस्ट्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे करते करते इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, तो मैं इसके ऊपर बॉल फेंक के फाइनली इसको कैच कर लेता हूँ। यार ये पार्ट वाल में जितने भी बॉस पोकेमॉन थे सारे बॉस पोकेमॉन को मैंने पकड़ लिया, लेकिन गाइस अभी तक हम लोगों ने टावर बॉस पोकेमॉन को नहीं पकड़ा है। और ये देखो गाइस यार एनिमीज ने मेरे बेस पे आकर तो फुल तोड़फोड़ कर दिया है। आज रात को मुझे ऐसे खुल्ला खुल्ला यहाँ पर सोना पड़ेगा। कल सुबह मैं सोच रहा हूँ अपने बेस को फुल अपग्रेड करने के लिए, लेकिन ये क्या भाई सुबह सुबह ये लोग अटैक करने आ चुका है और एस्ट्रैगन को छोड़ दिया मैंने। फिलहाल देखते हैं एस्ट्रैगन कैसे इनके ऊपर अटैक देता है। एस्ट्रैगन ने अपने जलवा स्टार्ट कर दिया भाई साहब, इनके ऊपर अटैक दे रहा है एकदम। ओ भाई किस तरीके से उनके ऊपर फ्रीज अटैक दे रहा है और वो सारे तो भाई ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। फिलहाल यहाँ पर देखो गाइस वेनम क्रिस्ट जा चुका है मेरे बेस पे अटैक करने के लिए। अभी बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स आ रहे हैं यार बेस पे अटैक कर रहे हो और देखो गाइस कैसे आग जला दिया पूरे बेस में। अभी फिलहाल बेस को फटाफट से तोड़ते हैं। ओ भाई कितने सारे केट्स हैं मेरे पास और काफी सारे वहाँ पर रिसोर्स भी पड़े हुए हैं। सारे रिसोर्सों को मुझे एक जगह में इकट्ठा करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के मैंने फाइनली अपना बेस बना दिया। कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन पर। मैंने अभी तक अपने बेस को फुल अपग्रेड नहीं किया है, इसके बाद अपने बेस को मैं फुल्ली अपग्रेड करने वाला हूँ, एकदम फुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो गाइस सारे के सारे जल्द से जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दो, हम लोग रेगुलर वीडियो लाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ इस पावलॉट सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो उसके लिए जरूर से तैयार रहना। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आप लोगों से मिलने वाला नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक ले बाय एंड टेक केयर।